नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे आर एस प्लम्बिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मेरा नाम राम है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये फिटिंग की हुई है, जो कि मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फिटिंग की वीडियो, ये किस प्रकार से की हुई है। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारी डाइब्रेटर की फिटिंग हुई है, जो कि हमारी ये फ्लोरिंग लेवल से लेके और ये डाइब्रेटर की जो हाइट है ये हमने 42 इंची दी हुई है। और ये जो स्पाउट का आप पॉइंट देख रहे हैं, ये स्पाउट का पॉइंट हम लोगों ने 30 इंची पे दिया हुआ है। और ये स्पाउट के बगल में आप लोगों को ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये हमने डायरेक्ट का पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। और देखिए, ये पाइपलाइन हमारी इधर से होके ये टंकी की पाइपलाइन ऊपर चली गई है, वो हमारी डायरेक्ट की लाइन है, जो कि हम लोग ऊपर से इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारी ठंडा और गर्म की ये लाइन आ रही है। तो ये टोटी हमारी एक्स्ट्रा बन गई थी पहले, तो इस टोटी को हमने ऐसी छोड़ दिया है कि किसी भी कार में ले सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे आ रहा है सीट का पॉइंट, जिससे कि हमने ये सिस्टम के लिए ये पॉइंट दे दिया है, और ये जेड स्प्रे के लिए दे दिया है, और ये डब्बा टोटी के लिए दे दिया है। और इसी के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे गीजर का पॉइंट दे दिया है। और इसी से बगल में पाइप ये जाके, ये हमारा पाइप यहाँ से ये वॉश बेसिन के लिए यहाँ पे अपना ठंडा गर्म का पानी आ गया है, जिसमें कि हमने बोतल ट्रैप का ये पॉइंट भी बना लिया है। आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ कि इसका ड्रेनेज का फिटिंग किस प्रकार से हुआ है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये डक्ट में से हमने दो लाइन लिया है, एक सीवर का लाइन है और एक हमारा पानी का लाइन है, जो कि हमने पानी का लाइन को इस साइड में लेके यहाँ पे नैनी ट्रॉप लगा के ये हमने नहाने का यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है। और यहीं से एक टी लगा के यहाँ पे हमने एक नैनी ट्रॉप दे के यहाँ पे वॉश बेसिन का पॉइंट हमने बना दिया है, जिससे कि ये बोतल ट्रॉप का भी पानी यहाँ पे से वहाँ पे निकल जाएगा। और यही है दूसरा वाला पाइप आपका सीट का, सीट का हम लोगों ने इस कोने में दे दिया है, इस कोने में दे दिया है, और यहीं पे हमारा सारे पॉइंट बन गए हैं। जो सीट का पॉइंट दिया है ये इस दीवार से लेके ये 17 इंची इसका पॉइंट का सेंटर है, और पीछे से हमारा ये 10 इंची सेंटर है, जिससे ये दरवाज़ा कम होने के नाते वैसे हमें ये 18 देना चाहिए था, हमने इसको 17 दिया है, जिससे कि यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगेगा, जिससे कि ये सीट इस दीवार के अंदर ही अंदर यहाँ पर आ सके। और वैसे इस गेट्स के बगल में हम लोगों ने यहाँ पे वॉश बेसिन दिया है। और यहाँ सामने से आप लोग एंट्री देख सकते हैं, ये हमारा सामने से वहाँ पे डक्ट आ गया, और उसके बगल में हमारी पूरा स्पेस बच रहा था, जो कि हमने डाइब्रेटर लगा दिया है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।